कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है। मेरे सिर्फ दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ऑफ कोर्स हम लोग लीडरशिप की बात तो हमेशा करते ही रहते हैं, मिलिट्री में भी और अदरवाइज भी। तो क्वेश्चन ये है कि कोविड टाइम पे, स्पेशली कोविड 2 के टाइम पे, इंडिया ने जिस क्राइसिस को फेस किया और उस टाइम पे मोदी जी की लीडरशिप थी, वो टेस्ट हुई भाई, लीडरशिप के टेस्ट होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी नजरों में ऐसा कोई लीडर आपको नजर आता है जो मोदी से बेटर लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता था? ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून सर। सर, जिस तरीके से मोदी ने भारत को तैयार किया कोविड को हैंडल करने के लिए, भारत में इस समय की राजनीति में जितने भी नेता हैं, कोई दूर दूर तक उसके करीब नहीं आ सकता। इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपको याद हो कि आज से कुछ साल पहले उत्तराखंड में एक काफी तबाही हो गई थी जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, और अगर आप उस समय का रिस्पांस देखो सरकार का, जो राहत सामग्री जानी थी उसके 4 ट्रक लोड होके दिल्ली में खड़े रहे 4 दिन, उसके बाद वो उत्तराखंड में जाके देहरादून में खड़े रहे, कोई उनको संभालने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, और जो लोग वहां बेचारे मर गए थे उनकी बॉडीज दो दो तीन तीन साल बाद तक मिलती रही। ये दिखाता है कि सरकार ने कितने ही, मतलब बिल्कुल बेकार तरीके से काम किया, सिर्फ दिखाने के लिए काम किया। अगर आप कोविड की त्रासदी को देखो, जिसमें संसार के बड़े बड़े देश इस त्रासदी के आगे हाथ जोड़कर भगवान से अपनी सलामती मांग रहे थे, भारत ने ना केवल अपनी खुद की वैक्सीन बनाई जिसको कि 220 करोड़ से ज्यादा डोज अपने यहां इस्तेमाल की, और करीब करीब मेरे ख्याल से 70-80 ऐसे देश हैं जिनको कि भारत ने वैक्सीन दी। भारत में कोविड के पहले कोई पीपीई किट नहीं बनता था, कोई उसको टेस्ट करने के सैंपल्स का जो वो होता है जिससे सैंपल लेते थे वो नहीं बनता था, और बड़े महंगे देश रेट्स पे शुरू के समय में ये इंपोर्ट किए जा रहे थे। भारत ने उसके बाद इसकी क्षमता ना केवल अपने लिए बनाई, भारत ये दोनों चीजें विदेश में एक्सपोर्ट करने लगा सस्ते रेट्स पे। आप लैब्स के नंबर देखो, मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था कि कोविड के पहले इस तरह की टेस्टिंग की लैब भारत में करीब करीब 300 के कुछ लैब थी, जो आज के समय में 7,000 से ज्यादा इस तरह की लैब्स भारत में है। ये सब करने के लिए जब तक ऊपर की लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी, जो कि ये जोर डालेगी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने देश को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए ये काम करना है, जब तक हो नहीं सकता। आप चाहे केजरीवाल को देख लो, राहुल गांधी को देख लो, आप ममता बनर्जी को देख लो, अपने स्टेट की किसी भी समस्या का अगर उन्होंने समाधान किया हो तो बता दें कि भाई हाँ, हमने इस समस्या थी हमारे प्रदेश की और इसका हमने ये समाधान कर दिया। आप मोदी को देखो, ना जाने कितनी समस्याएं थी, उसने समाधान कर दिया। आप तो ये चीजें करने के लिए आपको एक दृढ़ संकल्प चाहिए और साथ ही साथ आपके अंदर एक मानसिक क्षमता होनी चाहिए कि इसको करने में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या एफर्ट डालने पड़े, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखते मुझे किसी भी राजनीतिक नेता में आज के समय जो भारत में है। कीर्ति, एक्चुअली मैनेजमेंट तो एक स्किल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन लीडर का स्ट्रांग होना मेंटली, आपने भी एक वर्ड यूज किया मेरे ख्याल से, मेंटल रिजोल्व का, मानसिक क्षमता का, तो वो जो मेंटल कैपेबिलिटी है ना, वो इनहेरेंट होती है। सम पीपल दे जस्ट डोंट गिव अप। मोदी एक ऐसा लीडर है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपको याद है जब जियाउल हक के टाइम पे एक बार ऐसा हुआ था कि बॉर्डर क्लैश होने के चांसेस हो गए थे पाकिस्तान से, और उस टाइम पे मैं आपको पता ही है, ब्रास टैक्स की तो एक टाइम था, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ओके जिन सारे जहां पे क्लैश होने के चांसेस हो गए थे उस टाइम पे। एक बार को, और ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कि जियाउल हक ने राजीव गांधी को थ्रेटन किया था कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज करूंगा फर्स्ट रिजोल्व में, और लोग यहां तक कोट करते हैं कि राजीव गांधी उसमें अच्छा खासा, मतलब वो हिल गए थे पर्सनल लेवल पे। बाकी ठीक है, आप बाकी तो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूशन है, फौज है, दुनिया भर के टूल्स एजेंसीज आपके पास हैं, लेकिन अगर लीडर को ही फर्स्ट शॉक हो जाएगा कि मैं तो गया काम से, तो फिर बाकी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है ना। अच्छा, अब मैं एक आपको एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा, 26/11 का, एक एग्जाम्पल है, और दूसरा है पुलवामा का।
दो अलग अलग गवर्नमेंट, दो अलग अलग लीडर। अब मैं आपको लेके आता हूं एक नई सिचुएशन में। टुमारो हमारे पास पुराने रिकॉर्ड हैं, कब चाइना ने अटैक किया, क्या हमारा रिएक्शन रहा, पाकिस्तान ने क्या क्या यहां पे कराया। अब मैं एक नई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करता हूं कि इंडिया कॉर्नर हो जाता है कि आपका लेह की तरफ या लद्दाख की तरफ चाइनीज फॉरवर्ड पोस्टरिंग ले लेते हैं, इधर पाकिस्तान कहीं से फॉरवर्ड पोस्टरिंग ले लेता है। उस टाइम पे क्या आपको एक ऐसे नेता की जरूरत है जो ये कहता है कि ठीक है, वी आर इन द थिक सूप, लेट अस अज्यूम दैट, और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे स्टेटमेंट में कि टुमारो जैसे यू नो वर्ल्ड की सिचुएशन जैसे आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरह से गैंगिंग अप हो रहा है, इंडो पैसिफिक जैसे जा रहा है, यूएस चाइना कैसे जा रहा है, इंडिया चाइना कैसे जा रहा है, पाकिस्तान में कैसे इंटरनल टर्मोइल है, तो अल्टीमेटली आके आप देखोगे कि ऐसी सिचुएशन प्रेसिपिटेट हो सकती है जिसमें इंडिया कॉर्नर हो जाए, और उसमें सिर्फ एक ही चीज काम करती है, लीडरशिप की रिजोल्व और देश का रिजोल्व। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक फ्रेमवर्क में, इस फ्रेमवर्क में ये बताएं कि कौन सा लीडर आपको लगता है मोदी के अलावा जो इस सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता हो। ओवर टू यू। सर, जैसा मैंने पहले कहा, भारत के अभी के नेताओं में एक भी नेता के अंदर ये क्षमता नहीं है कि जो इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सके। आपने पहले बात की 26/11 की, आपने बात की पुलवामा की, इसके पहले क्या होता था कि पाकिस्तान हमेशा भारत को अपने पास न्यूक्लियर बम होने की धमकी देने से डरा देता था और भारत कोई हमला नहीं कर पाता था। जब हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस समय हमारी पूरी सेना को हमने मोबिलाइज कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, जो कि खुद भी एक बड़े स्ट्रांग व्यक्ति थे, लेकिन हमने पाकिस्तान को कोई भी पुनिटिव एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? उसकी वजह सिर्फ यही थी कि हमें यह रहता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपने देखा कि जब हमारे यहाँ पुलवामा हुआ और जिस तरीके से उसके पहले भी जहाँ जब हमारे पास एक हमारे ब्रिगेड को अटैक किया गया उड़ी में, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब हमारे यहाँ पुलवामा हुआ भारत ने एयर स्ट्राइक किया, और एयर स्ट्राइक करने के अगले दिन जब हमारा विंग कमांडर अभिनंदन उनके एरिया में पकड़े गए, पाकिस्तान को मुहार के अगले दिन उसको रिलीज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि मोदी की धमकी थी कि अगर आज रात के 8 बजे तक अभिनंदन रिलीज नहीं होंगे तो हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। तो अब सिचुएशन बदल गई है, पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर हमला करने की सोच भी सके, और पाकिस्तान की हालत मोदी ने आज ऐसी कर दी है कि उनके पास अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने का इंतजाम नहीं। भारत के जितने भी नेता हैं, इन सब का अभी तक का आप इतिहास उठाकर देख लो, हर एक का इतिहास क्या है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए पैसे जुटाना, बेईमानी करना। इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है केजरीवाल जी। आप करप्ट होंगे जब आप, आपकी सोच सिर्फ आपके अपने परिवार तक सीमित रहेगी, आप कभी भी देश के बारे में भला नहीं सोच सकते, क्योंकि उस समय आपकी जो मानसिक दृढ़ता चाहिए वो आपके पास है ही नहीं, वो आप उतने कभी स्ट्रांग रिजॉल्व ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सोच हमेशा आपको अपने परिवार तक सीमित रखती है। अकल कीर्ति, मेरा एक पॉइंट है एक्चुअली, यू नो केजरीवाल और राहुल गांधी, अगर आप लेफ्टिस्ट लिबरल्स की बात करते हैं ना इंडिया के अंदर या बाहर वेस्टर्न ब्लॉक में, ये दोनों लीडर को उन्होंने पेट्रोनाइज किया है, किसी जमाने में केजरीवाल को भी किया, राहुल गांधी को भी अभी भी कर रहे हैं, आपको पता ही है ये बात। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली और पाकिस्तान और चाइना दोनों के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना ले पाए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा लीडर हो जो वीक हो, जो आपकी मतलब जिसको नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरी रहे ही ना, यानी जैसे 26/11 का आप एग्जांपल ले लो, तो जो मनमोहन सिंह है वो चुपचाप बैठ गया उसके ऊपर। तो उस हालत में मालूम है क्या होता है,
जब आप देखते हैं ना, ऐसा नेता यहाँ पे बैठा है जिसका रिजॉल्व नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, डरपोक है, तो आप देखोगे कि जो कश्मीर इशू है या इस तरह के जो इश्यूज हैं वो भी फिर ऊपर आ जाते हैं आपको। वो मेंटली और फिजिकली और ग्राउंड पे तीनों तरीके से बोग डाउन कर देते हैं। और इन सब चीजों का एक इम्प्लीकेशन और पड़ता है फिर डोमेस्टिक लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल पे क्या होगा, जो कॉमनवेल्थ फोर्सेज हैं वो फिर ऊपर आ जाती हैं, फिर वो कहने लगती हैं कि हाँ। और उस हालत में आपको पता ही कि मनमोहन सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि अगर इंडियन रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा अधिकार है तो बेसिकली मुस्लिम्स का है। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम्स का अधिकार नहीं है इंडिया पे, लाइक एनी अदर सिटीजन दे हैव गॉट इक्वल राइट, स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। पर उसमें क्या होता है, जो रेडिकल फोर्सेज हैं और जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, जब वो देखती हैं कि हर तरीके से ये जो लेट नेता है ये कमजोर है, कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स के लिए तैयार नहीं कर रहा, तो पूरा कंट्री फिर सफर करता है। हमारे सिस्टम्स उस तरीके से हो जाते हैं, हमारी अप्रोच उस तरीके से हो जाती है, डिफेंसिव अप्रोच हो जाती है, और फिर आपका जो नेशनल प्राइड है ना वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, फिर कौन सा इंडिया, कौन सा सुपर पावर इंडिया, कौन सा फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, यू नो, इन चीजों में जो आपका प्राइड है वो चला जाता है, और उसी में आपका सोशल कंडक्ट और पर्सनल कंडक्ट भी इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी भी डिफेंसिव हो जाती है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब हमारा लीडर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपके देश के लिए आप सोचते ही नहीं। आपने जो बात की, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से अगर आप देखो, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से पहले अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, औसतन हर महीने एक हिंदू मुस्लिम दंगा होता था। क्यों होता था? क्योंकि जो लीडरशिप थी स्टेट की वो वीक थी, वो अपने इंटरेस्ट में उसको कर्म नहीं करते थे, बायस तरीके से उनको हैंडल करते थे। जब से योगी जी आए हैं, आपने उत्तर प्रदेश में एक हिंदू मुस्लिम दंगे की बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बिकॉज पता है कि चाहे वो हिंदू गलती करे, चाहे मुसलमान गलती करे, जो गलती किया जाएगा उसको सजा मिलेगी। जब तक आपके अंदर इस तरह का अप्रोच नहीं होता, आप कर ही नहीं सकते। जो भी पाकिस्तान और चाइना है, वो क्यों राहुल गांधी या केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मोदी उनकी दाल नहीं गलने दे रहा है, उनको वीक कर रहा है, भारत को स्ट्रांग कर रहा है। अगर आप जितने वेपन सिस्टम हमने मोदी के टाइम में इंपोर्ट किए हैं, अगर आप उनकी एक लिस्ट उठाकर देखो, तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि हमने कितनी अपनी डिफेंस प्रिपेयरनेस को स्ट्रांग किया है। क्यों स्ट्रॉन्ग किया? बिकॉज मोदी चाइना के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करना चाहता है, ना कि दब के बात करना चाहता है। और यही वजह है कि हमने डोकलाम में, हमने लद्दाख में और अभी अरुणाचल प्रदेश में, तीन जगह हमने चाइना को पीछे हटने पे मजबूर किया। चाइना की हिम्मत नहीं है कि भारत के सामने आके अटैक कर सके। पीछे से जो चाहे वो करे, वो करता रहे, लेकिन सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो। तो अगर ये इनमें से कोई भी नेता अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमने इन 9 सालों में प्रगति की है, जो हमने अपने देश को मजबूत किया है, वो अगर ये दोबारा इनमें से कोई भी व्यक्ति पीएम बनता है, तो 5 साल में उसको बैक टू द स्क्वायर वन ला के खड़ा कर देंगे, उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर देंगे जहां पर कि 2014 से पहले ये भारत था। 2014 से पहले भारत की सेना के पास राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, पर्सनल वेपन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और हमारा जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि हम बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाते हैं, रोड एंड पुल, क्योंकि हमें डर है कि चाइना उसका इस्तेमाल करके अंदर आ जाएगा। ये भारत के रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में बयान है, एंटोनी जी का। आज आप देखो बॉर्डर पे किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल और रोड बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बिकॉज मोदी ये चाहता है कि उनके आने की बात छोड़ो, पहले हम अपनी सेना बॉर्डर पे खड़ी करेंगे, आने कैसे देंगे उन्हें? ये सोच में फर्क है ये। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और इनफैक्ट जो कॉन्फिडेंस मोदी जी दिखाते हैं, जो रिजोल्व दिखाते हैं, वो फिर आपके इंस्टीट्यूशंस में, आपके टूल्स में, आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में,
उन सबके अपने कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, मगर जो रिजोल्व का जो नेशनल रिजोल्व होती है उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, और आर्मी का या ब्यूरोक्रेसी का कंडक्ट भी उसी तरीके से हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी फेयर स्टेटमेंट कि वी मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट सेंटर, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। और आपने जो एक सेंटेंस बोला ना कि इनमें से शायद कोई भी जो विरोधी पार्टी वाले हैं ये सब इनमें से कोई आ जाए, तो आई गिव यू गारंटी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मोदी जी विल कंटिन्यू, और हम लोग इंडियंस इतने समझदार जरूर हैं कि हम नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। सो कल कीर्ति शर्मा, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।